Hi guys, how are you? Welcome to our YouTube channel Psycho Reactions. तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, चाहोगे खुश होंगे। दोस्तों my name is Bilal, my name is Amir। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम उन लोगों पे वीडियो बनाने वाले हैं जिनका इंडिया में बहुत अहम रोल है और इंडिया के बहुत सारे काम जो है उन लोगों ने किए हैं। उनकी वजह से इंडिया में स्टार्टिंग में बहुत हेल्प की और लोगों को ऊपर लेके आए। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अनहेयर स्टोरी ऑफ टाटा, टाटा के स्टडी, हाउ टाटा शेप्ड इंडिया। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो क्या आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? तो चलते हैं, मैंने इंतजार किया आज की वीडियो की तरफ। हमारे देश का सबसे रिस्पेक्टेड ब्रांड कौन सा? ये सवाल किसी को भी पूछेंगे तो आंसर यही होगा, टाटा। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने में टाटा ने कैसी मदद की? क्या आपको पता है कि भारत के एटॉमिक रिसर्च को टाटा ने सपोर्ट किया और उन्होंने भारत को सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर बनने में कैसे हाथ बढ़ाया? टाटा के ऐसे ही कई सीक्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस है जो कई भारतीय लोग नहीं जानते। आज हम आपको टाटा के बारे में 10 ऐसे सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनकी वजह से आपकी टाटा के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाए। इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए कि ऐसे कौन से फैक्ट्स है टाटा के बारे में जो हमने मिस कर दिए। भारत के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल अकाउंट को प्रेस कीजिए। आज टाटा 100 से ज्यादा कंपनीज और 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करता है, आधे मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और 700 मिलियन कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचता है। इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत सिर्फ 20,000 रुपए और एक सपने के साथ हुई। सपना काफी सिंपल था, क्यों हम हमेशा मैनचेस्टर के कपड़े खरीदे जबकि हम खुद मैनचेस्टर को कपड़े बेच सकते हैं। इसी आइडिया के साथ जमशेद जी टाटा ने नागपुर में एम्प्रेस मिल्स एस्टैब्लिश की। लेकिन जमशेद जी देसी दिखने वाले अंग्रेज, उनका मोटिव सिर्फ खुद का विकास नहीं सबका विकास। इसीलिए खुद के पैसों से उन्होंने जो औरतें मिल में काम करती थी उनके बच्चों के लिए स्कूल्स बनवाए, चाइल्ड केयर सेंटर स्टार्ट करवाए। जमशेद जी टाटा, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हु टॉट अस द राइट वे ऑफ डूइंग बिजनेस, दैट इज एथिकली डूइंग बिजनेस। डू यू नो, भारत को ओलंपिक्स तक पहुंचाने में भी टाटा का हाथ, बट हाउ? सर दोराबजी टाटा खुद एक एथलीट थे और उनका ये विश्वास था कि भारत भी वर्ल्ड क्लास एथलीट्स प्रोड्यूस कर सकता है। 1920 में दोराबजी टाटा ने खुद भारत की ओलंपिक टीम को स्पॉन्सर किया और यहाँ के एथलीट्स को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया। उस साल भारत को कोई मेडल नहीं है, 4 साल बाद पेरिस के ओलंपिक्स में भी भारत को कोई मेडल नहीं है, लेकिन 1929 में भारत की हॉकी टीम ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। ये पॉसिबल ना होता अगर दोराबजी टाटा ने भारत को ओलंपिक्स तक पहुंचाने का सपना ना देखा होता। आज जब कोई ओलंपियन भारत के लिए मेडल लाता है, वी फील प्राउड और इस सपने को हकीकत में बदलने में टाटा का कॉन्ट्रीब्यूशन। दोराबजी टाटा अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने वैलेंटाइन डे पर अपनी वाइफ के लिए एक ऐसा डायमंड खरीदा जो कोहिनूर डायमंड से 2 गुना बड़ा था। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद टाटा स्टील कर्जे में थी और ये डेट रीपे करने के लिए उन्हें अपने पर्सनल ज्वेलरी भी बेचनी पड़ी। तब उनकी वाइफ ने बिना किसी हेजिटेशन उनकी पूरी ज्वेलरी के साथ साथ इस डायमंड को भी गिरवी रख दिया। देयर लव स्टोरी सो अमेजिंग दैट इट डिजर्व्स अ वीडियो ऑफ इट्स। अनफॉर्चुनेटली उनकी वाइफ कैंसर से चल गई, लेकिन दोराबजी टाटा ने अपनी वाइफ को याद रखने के लिए एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो आज भी लोगों की सेवा करता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो आज भी 70% पेशेंट की कैंसर ट्रीटमेंट फ्री में करता है। डिड यू नो, भारत के पहले लाइसेंस पायलट और कोई नहीं JRD टाटा था। 1932 में टाटा एयरलाइन शुरू हुई और इस एयरलाइन की पहली कमर्शियल फ्लाइट कराची से मुंबई लेकर आने वाले और कोई नहीं JRD टाटा था। भारत आजादी से पहले ही एक ऐसा देश बन चुका था जो अपनी खुद की एयरलाइन ऑपरेट कर सकता था। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम चेंज करके एयर इंडिया हो गया और 2 सालों में एयर इंडिया इंटरनेशनल भी शुरू हुआ। 1950 में जब एविएशन नेशनलाइज कर दिया गया तब एयर इंडिया एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज बन गया, लेकिन फिर भी JRD खुद हमारे एविएशन मिनिस्टर्स को लेटर्स लिखते थे और गाइड करते थे। सो बेसिकली टाटाज गिव इंडिया विंग्स टू फ्लाई। 1947 में भारत को आजादी तो मिली लेकिन फिर भी देश की इकोनॉमी काफी वीक थी। बाकी इंडस्ट्रीज की तरह ही कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री भी इंटरनेशनल ब्रांड्स पर निर्भर थी, यानी इंपोर्ट पर खर्चा बढ़ रहा था और एक्सपोर्ट ना के बराबर थे। प्लस महंगे कॉस्मेटिक्स की वजह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक आम आदमी के बजट के बाहर थे। इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने JRD टाटा को अप्रोच किया और एक होम ग्रोन कॉस्मेटिक्स ब्रांड बनाने की रिक्वेस्ट की। तब लक्ष्मी इस नाम से इंस्पायर होकर लैक्मे की शुरुआत हुई। उस जमाने में सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स फेयर स्किन के लिए बनते थे। लैक्मे वाज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज टू मेक प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन स्किन टोन्स। और इस इनविजिबल रेवोल्यूशन में टाटा का हाथ। अगले 5 फैक्ट जानने से पहले वी वांट टू टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो, स्मॉल केस। ये स्मॉल केस क्या है? स्मॉल केस इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स और ETFs बेस्ड ऑन अ थीम और एन आईडिया। एक स्मॉल केस में कोई रैंडम स्टॉक्स नहीं होते बल्कि एक थीम या एक आईडिया से जुड़े हुए स्टॉक्स हो सकते हैं जिन्हें एज एन इन्वेस्टर आप एक सिंगल क्लिक में खरीद सकते हैं।
ये स्मॉल केसेस भारत के सभी रजिस्टर्ड फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैंडल करते हैं। हाउस ऑफ टाटा ऐसा ही एक स्मॉल केस है जो टाटा के अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी आप सिर्फ एक क्लिक में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसमें कौन से स्टॉक्स है और उनकी क्या वेटेज है ये देख सकते हैं, और आप ये चेंज भी कर सकते हैं। तो आप डिसाइड करते हैं कि किसमें कितना इन्वेस्ट करना है। स्मॉल केस का सबसे बढ़िया फीचर मुझे ये लगता है कि आपको टाइम टू टाइम रीबैलेंस अपडेट्स आते रहते हैं, विच मीन्स कि स्मॉल केस आपको सजेस्ट करता है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स रिटेन करने हैं, कौन से बेचने और कौन से खरीदने। सो यू कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ टाटा लेगेसी बाय इन्वेस्टिंग इन हाउस ऑफ टाटा स्टॉक्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ आई विल टेल यू अ पर्सनल स्टोरी। गवर्नमेंट ऑफिस के बारे में सोचो तो 1990s का ऑफिस याद आता है, करप्शन, अर्ली लंच ब्रेक, लॉट ऑफ डिलेज एंड व्हाट नॉट। लेकिन जब से TCS ने पासपोर्ट सेवा केंद्र की प्रोसेसिंग को हैंडल करना शुरू किया है, तब से अप्लाइंग फॉर अ पासपोर्ट इज रियली एन इजी टास्क। ऑन एन एवरेज पासपोर्ट निकलवाना जो 60 दिन लेता था अब 6 दिन लेता है, थैंक्स टू द कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड। मैंने 2016 में अपना पासपोर्ट रिन्यू किया और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसके लिटरली 2 दिन बाद पासपोर्ट मेरे हाथ में था, और पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज था। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, फोटोग्राफ, ये काम TCS ने किया, और जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने किया। इट इज प्रूफ ऑफ हाउ कंबाइनिंग द प्राइवेट सेक्टर विद एसेंशियल सर्विसेज कैन ट्रांसफॉर्म थिंग्स फॉर द कॉमन पीपल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE दुनिया की फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ हर सेकंड 5 लाख से ज्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की टॉप 3 स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक। भारत के इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में कॉमन क्या है पता? टाटा। TCS ने वो सॉफ्टवेयर बनाया है जो इतने बड़े लेवल पर ट्रांजैक्शंस को पॉसिबल बनाता है। TCS भारत की नंबर 1 IT सर्विस तो है ही, साथ ही साथ इस साल UK की नंबर 1 सॉफ्टवेयर और IT सर्विस कंपनी भी बन चुकी है। और टाटा कंपनी की आदत सी है UK में कारनामे करने। साल 2000 में जैसे ही सेंचुरी बदली, सिचुएशन भी बदली। फरवरी के महीने में BBC ने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा जिसके हेडलाइन हर इंडियन की शान है, टेटली बैक्ड बाय इंडियाज टाटा। जब टाटा ने टेटली को अक्वायर किया तब वो किसी भी इंडियन कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी का किया हुआ सबसे बड़ा एक्विजिशन था। उस समय टाटा टी सिर्फ $100 million की कंपनी थी जिसने खुद से 3 गुना बड़ी टेटली को खरीदा था और भारत की दूसरी कंपनी के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। ये अनाउंस कर दिया था दैट इंडिया हैज अराइव्ड। रतन टाटा की रिवेंज स्टोरी तो आपने सुनी होगी, गाड़ियां बनानी नहीं आती तो ट्राई क्यों करते हो? एक समय ऐसा था जब टाटा मोटर्स काफी लॉसेस में चल रही थी, तब रतन टाटा US पहुंचे और उन्होंने फोर्ड कंपनी से हेल्प मांगी। फोर्ड कंपनी के इंचार्ज ने कहा, हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर एक फेवर कर रहे हैं, अगर आपको गाड़ियां बनानी नहीं आती तो ट्राई भी मत करो। रतन टाटा नाराज थे लेकिन फिर भी उन्होंने क्योंकि अग्रेशन दिखाने का वो सही समय नहीं था। उन्होंने उस अग्रेशन को बिजनेस सुधारने में चैनलाइज किया और कुछ ही सालों में सिचुएशन कंप्लीटली पलट गई। इस बार फोर्ड कंपनी लॉसेस में थी और उसे बचाने के लिए टाटा वहां पहुंचा। जैगुआर और लैंड रोवर ये दो लग्जरी कार्स की ब्रिटिश कंपनी टाटा ने अक्वायर कर ली। जिन कॉलोनाइजर्स ने भारत को 200 साल के लिए रूल किया उनकी ही कंपनी अब एक इंडियन कंपनी टेक ओवर कर रही थी। जमशेदजी टाटा का मानना था समाज किसी बिजनेस का सिर्फ एक भागीदार नहीं, बिजनेस समाज का एक हिस्सा होता है। समाज को बेहतर बनाना ही एक बिजनेस को दिशा देता है, सही और गलत में अंतर समझाता है। इसीलिए आज भी रतन टाटा जो भी पैसे कमाते हैं उसमें से 60% वो डोनेट करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ओवरऑल हमारे देश के वेलबींग में इन्वेस्ट करते हैं। पिछले 150 सालों से टाटा सिर्फ बिजनेस ही नहीं कर रहा है लेकिन नेशन बिल्डिंग में भी हाथ बढ़ा रहा है। एंड दिस रिफ्लेक्ट्स इन द रिस्पेक्ट पीपल हैव फॉर दिस ब्रांड एज वेल। कहते हैं भारत में ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में टाटा का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया हो, और ये सच। फोन को चार्ज करने वाली इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दिमाग को चार्ज करने वाली चाय तक, हॉस्पिटैलिटी से लेकर मिलिट्री तक, टाटा के अलग अलग एरियाज में कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमें आजादी 1947 में मिली लेकिन क्या आजादी एक स्विच है जो फ्लिप किया और चीजें बदल गई? नहीं, आजादी एक प्रोसेस है जिसमें हम सबका एक कॉन्ट्रीब्यूशन। टाटा ने अपनी स्ट्रेंथ को भारत की स्ट्रेंथ बनाया और पूरी दुनिया में खुद के साथ साथ भारत का भी नाम रोशन किया, और हमारे देश के इस पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की कहानी आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा। Hey STM, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया सबसे पहले तो बात होती है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ में जब तक अच्छे लोग नहीं हाथ पर डालते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस करें, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, वो कहते हैं कि खुद ही इन्वॉल्व हो गए ना, हाथ तो डालेंगे उन्होंने, खुद ही पूरे के पूरे इन्वॉल्व हो गए अपने मतलब कि अपने बिजनेस को भी ना, उसने अपनी कंट्री के लिए सारा कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए 60% तक इनकम जो है वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, स्कूल के लिए मतलब सर्व करते हैं। तो फिर देखिए एक टाइम उनपे बड़ा मतलब मुश्किल था जब उन्होंने अपनी बेगम को एक डायमंड गिफ्ट किया था, मतलब कि एनिवर्सरी पे शायद किया था या
ये क्रिसमस उस पे किया था, वैलेंटाइन डे पे, तो उनको एक टाइम आया था वो भी गिरवी रखना पड़ गया था। हाँ। उन्होंने कुर्बानी दी और उसको मतलब अपने प्यार के, प्यार के जो डायमंड को था उसको भी उन्होंने गिरवी रख दिया, और लेकिन कंपनी चालू रखी। फिर एक दफा आया कि उनको क्राइसिस का सामना हुआ, तो वो यूरोपियन कंट्री में एक कंपनी है फोर्ड, फोर्ड के पास गया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप गाड़ियां बना नहीं सकते तो नहीं, उन्होंने मतलब कि टाटा कंपनी के ऊपर थोड़ा सा क्राइसिस आने की आए, तो उन्होंने ना उनसे हेल्प मांगी थोड़ी सी, उन्होंने कहा बेच के साथ उसने, हाँ, तो उसने आगे से ये कहा कि अगर आप लोगों को मतलब कि गाड़ियां चलानी नहीं बनानी नहीं आती तो चलाते क्यों, चलाते क्यों हो, मतलब बड़ी बात कर दी उसने। उसने ये भी कहा ना कि आप पे एहसान करते हैं कि आप हमें कंपनी सेल कर रहे हैं। हाँ, वो ये बड़ी बात थी, तो उन्होंने आके अपना मिशन बना लिया कि हमें इसमें कामयाब होना, और वो कामयाब हुए। और एक टाइम आया कि वो दोबारा फोर्ड कंपनी को उनसे हेल्प लेनी पड़ी और फोर्ड कंपनी को उन्होंने मैनेज किया। ये यार प्राउड की मूवमेंट है इंडियंस के लिए, तो रतन टाटा के लिए ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं। अगर हम जिंदगी में मेहनत करते हैं तो हमें उसमें कामयाबी मिल जाती है, अगर हम मायूस होकर गिर जाते हैं ना, बैठ जाते हैं, तो हमें कामयाबी नहीं मिलती। स्टेप फॉरवर्ड लें, कोशिश करें, मुश्किलात का सामना हर इंसान को आता है। कोई भी सक्सेस जब मिलती है वो मुश्किलात मतलब के फेस करने से ही मिलती है। अगर आप कहो ना कि कोई फलां बंदा जो है वो कामयाबी की पिलर पे चढ़ गया विदाउट मतलब के मिसाइल के, विदाउट है, तो ये बातें सारी माने रखती हैं। मेन इनकी ये है कि आप मेहनत करें, मेहनत करें, सच्चे लगन से लगे रहें, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और रतन टाटा की भी यही स्टोरी है और उन्होंने कमाल कर दिया। बिल्कुल सही बात है, हमें काफी इंस्पिरेशन मिली है इनकी इस पर्सनालिटी से। तो ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन थी और हमें इसने बहुत ज्यादा इंकरेज किया है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का फल जिंदगी में जरूर मिलता है। तो हार्ड वर्किंग कीजिए और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल मोहम्मद आमिर को दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।